पहले रुपट्टा खींचा और अल्लाह जाने तुरंत मारना चालू कर दिया। परसों भी मारा था, साथ में यहाँ सीने पे ये सब कट गया है देखो। मुमरा के सम्राट नगर में एक महिला पर एक मौलाना ने हथियार से वार किया है। जिस महिला पर वार हुआ है उसका नाम शमसुन निशा है और मौलाना का नाम मुनीर अंसारी। महिला शमसुन निशा के सीने और हाथ पर हथियार से वार किया गया है जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही मौलाना मुनीर ने शमसुन निशा की जमकर पिटाई की थी, मगर उस वक्त इन लोगों के बीच में आपसी समझौता हो गया था। मगर कल रात में महिला ने बताया कि वो रिहान इमारत की सीढ़ियों के किनारे बैठी थी और तभी अचानक से मौलाना मुनीर ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल शमसुन निशा को तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाया गया। बताया जा रहा है कि महिला शमसुन निशा का रिहान इमारत में एक रूम था और मौलाना मुनीर उसे रूम बनाने नहीं दे रहा है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है। पहले मौलाना मुनीर ने शमसुन निशा की जमकर पिटाई की थी और अब हथियारों से वार करने का मामला सामने आया है। हालांकि शमसुन निशा ने मुमरा पुलिस में इसकी शिकायत की है और पुलिस ने इस मामले में NC दर्ज की है। इस हमले को लेकर शमसुन निशा ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या हुआ, किसने मारा है? ये मुनीर मौलाना ने और उसका बेटा था। मैं 3 माले की सीढ़ी पे बैठी थी, अल्लाह चाकू से क्या लिया था उसी से मेरे को पहले रुपट्टा खींचा और अल्लाह जाने तुरंत मारना चालू कर दिया। परसों भी मारा था, मेरा आदमी भी नहीं है, इस वक्त पुणे चले गए, कोई भी नहीं है। किससे मारा है? चाकू से मारा है। कब हुआ ये? ये 12 बज रहा था करीब, मैं वहाँ सीढ़ी पे बैठी थी, मेरे को उलझन बहुत हो रहा था। मेरे को कहाँ पे लगा वार? कहाँ पे लगा? हाथ में, यहाँ सीने पे, ये सब कट गया है देखो। मुनीर का उस दिन भी आपसे विवाद हुआ? हाँ, उस दिन भी विवाद हुआ था, वो घर नहीं ऊपर, उसी घर के चक्कर में मेरा भी है बनाने नहीं दे रहा। तो आप लोगों में तो मामला सुन में आया था कि मतलब समझौता आप लोगों ने कर लिए थे, मगर वो आज फिर बैठी थी तो मेरे को फिर मारा। क्यों ये नहीं, मेरे आगे पीछे मेरा आदमी भी नहीं है, वो भी चले गए। पुलिस में गए आप? हाँ, मैं गई थी, ये शिवाजी का ये दिए हैं वो करने के लिए, मेडिकल रिपोर्ट करने के लिए।